एशिया कप टूर्नामेंट में आज नेपाल के खिलाफ खेले जा रहे मैच में रविंद्र जडेजा ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से नेपाल की टीम को पूरी तरीके से परास्त कर दिया। जडेजा ने अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत एशिया कप इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज किया जिसे आज तक कोई भी भारतीय गेंदबाज दर्ज नहीं कर पाया था। वीडियो में जानेंगे सबसे जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले जडेजा ने कैसे बचाई भारतीय टीम की लाज और भारत के किन तीन खिलाड़ियों की बड़ी गलती के कारण भारतीय फैंस को लगा सबसे बड़ा झटका। भारत और नेपाल के बीच आज करो या मरो वाला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जिसके चलते नेपाल की टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी। पाकिस्तान के खिलाफ महज 104 रनों पर ऑल आउट हो जाने वाली नेपाल की टीम ने भारत के खिलाफ शानदार शुरुआत की। टीम के ओपनर खिलाड़ी कुशल भुरतेल और आसिफ शेख ने पहले विकेट के लिए 65 रन जोड़े। हालांकि 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने कुशल भुरतेल को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। कुशल ने 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 38 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के जड़े थे। नेपाल टीम का पहला विकेट गिर जाने के बाद स्पेल डालने उतरे भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने नेपाल की टीम के खिलाफ कहर बरपाते हुए एक के बाद एक विकेट लेकर अच्छी स्थिति में चल रही नेपाल टीम की कमर तोड़ दी। जडेजा ने अपने शुरुआती 5 ओवर में कुल 3 विकेट लिए जिसके बाद नेपाल की टीम की पारी लड़खड़ा गई। नेपाल के खिलाफ 3 विकेट लेने वाले जडेजा ने एशिया कप इतिहास में अपने नाम दर्ज कर सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। दरअसल रविंद्र जडेजा वनडे एशिया कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वनडे एशिया कप में जडेजा 16 वनडे मैच खेलकर कुल 22 विकेट ले चुके हैं जबकि इरफान पठान ने 12 मैचों में 22 विकेट लिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बाद तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर का नाम शामिल है जिन्होंने 23 मैचों में कुल 17 विकेट लिए। इस मुकाबले में 3 विकेट लेने वाले जडेजा ने अपने नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। दरअसल जडेजा नेपाल के खिलाफ इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही पारी में कुल 3 विकेट झटके। जडेजा की वजह से ही भारत इस मैच में वापसी करने में कामयाब हो पाया, वरना नेपाल आज जिस तरीके से खेल रहा था उसे देखकर लग रहा था कि आज नेपाल की टीम बड़े ही आराम से 250 रनों का स्कोर पार कर लेगी। वहीं इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में आज भारतीय टीम की तरफ से बहुत ही खराब फील्डिंग देखने को मिली जिसकी वजह से ये है कि भारतीय टीम ने शुरुआती 5 ओवर में 3 महत्वपूर्ण कैच छोड़े। जिन खिलाड़ियों ने ये कैच छोड़े उनमें विराट कोहली, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम शामिल है जिन्होंने अपनी खराब फील्डिंग से सभी को हैरान कर दिया। लेकिन भारतीय टीम की फील्डिंग देखकर फैंस को इस उम्मीद पर बड़ा झटका लगा लेकिन जडेजा ने एक के बाद एक विकेट लेकर इस कमी को पूरा कर दिया। बता दें कि आज के मुकाबले में जो भी टीम जीत दर्ज करेगी वो पाकिस्तान के साथ ग्रुप 1 से सीधे टॉप 4 में एंट्री कर लेगी। इतना ही नहीं, जीतने वाली टीम 10 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलती नजर आएगी जिसे लेकर भारतीय फैंस दिल से चाहते हैं कि भारत इस मुकाबले को जीत जाए ताकि बारिश के कारण रद्द हुए पिछले मुकाबले के बाद इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और भिड़ंत देखने को मिले। वैसे आपको क्या लगता है, कप्तान रोहित शर्मा को एशिया कप के सभी मुकाबले में जडेजा से पूरे 10 ओवर कराने चाहिए? जडेजा और अक्षर पटेल के बीच कौन सा वो सबसे बड़ा अंतर है जो अक्षर पटेल को टीम से बाहर किए हुए है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।